बिग बॉस ओटीटी 3 की फेम सना सुल्तान ने जन्माष्टमी के खास मौके पर एक खास पहल की, जहां उन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों में बर्गर बांटकर इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बना दिया। सना सुल्तान ने इस पर्व पर इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। वही सना की इस नेक पहल को लेकर सभी जगह उनकी सराहना हो रही है। टीवी की दुनिया की पॉपुलर एक्ट्रेस नवीना बोले ने अपने हस्बैंड जीत करानी से अलग होने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए एक्ट्रेस नवीना बोले ने इस बात का खुलासा किया और बताया कि जीत और मैं 3 महीने पहले अलग हो चुके हैं और हम जल्द ही कानूनी प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारी 5 साल की बेटी किमायरा की सह पलन कर रहे हैं। जीत हर हफ्ते 2 दिन उसके साथ बिताते हैं। हमारा अलग होना आपसी सहमति से हुआ है और हमें लगता है कि एक साथ दुखी रहने से बेहतर है कि हम अलग होकर खुश रहे। नवीना बोले ने बताया कि हमारी शादी की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे हम एक दूसरे से दूर होते गए। हमने अपनी बेटी के लिए चीजों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। एक शादी में आपसी बातचीत और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इम्पोर्टेंट होता है। वही न्यूज पोर्टल से बात करते हुए जीत ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि ये एक पारिवारिक मामला है और हमारे बीच मतभेद है। फिलहाल मैं इस मामले में प्राइवेसी की मांग करता हूँ। सीरियल मेरा बालम थानेदार में आने वाला है हाई पॉइंट ड्रामा। जब पूरा परिवार मिलकर सेलिब्रेट कर रहा होता है जन्माष्टमी, रवि दृष्टि की घर में होगी धमाकेदार एंट्री, जहां दृष्टि वीर के भाई यानी विशेष के साथ शादी करके दुल्हन के अवतार में घर में एंट्री करेगी, जिसे देख शॉक्ड हो जाएगा पूरा परिवार। और फिर एंट्री करते ही दृष्टि घर में मचाएगी कोहराम, जब वो वीर की मॉम से कहेगी उसका वेलकम करने के लिए। दृष्टि तो सब पे भारी है अभी फ़िलहाल। दृष्टि की एंट्री और उसका इस घर में रहना, जो उसके साथ पहले हुआ था, जिस तरीके से उसे बेइज्जत करके घर से निकाला गया था, थप्पड़ मारा गया था, तो अब जो वो वापस आई है, अब ये पुरानी दृष्टि नहीं है। अब इसमें पुरानी दृष्टि का 1% भी नहीं है। अब वो अलग ही जोश के साथ आई है, अब पूरे हक के साथ आई है, पूरे अधिकार के साथ आई है। पहले बहुत टाइम तक वो स्ट्रगल कर रही थी कि किसी तरीके से उसे वीर मिल जाए, किसी तरीके से अपनी जगह हासिल करे। अब वो ऑलरेडी वो जगह लेकर आई है, तो ये पहली वाली दृष्टि बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ भी भूली नहीं है, जो भी कुछ उसके साथ हुआ है, लेकिन भले वो भूली ना हो, लेकिन उस चीज़ का फ़र्क अपने चेहरे पर वो दिखने नहीं दे रही है इस बार। और डेफिनेटली जिस तरीके से वो आई है, बहुत ही स्ट्रॉन्गली, बहुत ही ज़्यादा यू नो अथॉरिटी के साथ, तो यू विल सी कि वो हर एक इंसान पे भारी पड़ने वाली है।